सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपने पिछली कक्षा में हमने जो पाठ संख्या जो 17 है, जिसका की नाम है विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह, उसको हमने पढ़ा था। पाठ संख्या 17, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, इस पाठ को हमने पढ़ा था और इसके जो अभ्यास के प्रश्न है उसकी भी चर्चा हमने की थी। तो विराम चिन्ह में हमने क्या पढ़ा, हमने यह पढ़ा था कि जहाँ पर भी जब कोई बात लिखी होती है या फिर कोई बात हम करते हैं या बोलते हैं तो वहाँ पर विराम चिन्हों का बड़ा ही महत्व होता है। जैसे यदि कोई बात बोलते वक्त वहाँ पर अल्प विराम, पूर्ण विराम और ऐसे जो 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 भी वाक्य है या फिर जो भी बात यदि करते हैं यदि वह या फिर वह अगर लिखित रूप में है तो वहाँ पर भी हमें समय समय पर जो जैसे भाव होते हैं, जिस भाव में हम अपनी बात कह रहे हैं, यदि वो जैसे मान लीजिए कि यदि हम बहुत ही हमारे मन में करुणा की भावना है या फिर हम बहुत खुश हैं या फिर हम बहुत दुखी हैं तो उसको उसी भाव में उस बात को बोलते हैं। तो यदि वह लिखित रूप में है, लिखा हुआ है, तो वहाँ पर विराम चिन्हों का जो उपयोगिता है, जो महत्व है, वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसी आधार पर उसका मतलब हमें पता चलता है कि कोई भी वाक्य लिखा हुआ है तो वह उसके कहने का तात्पर्य क्या है और वह किस प्रकार से उस वाक्य को कहा गया है या लिखा गया है, ठीक है। तो हमने विराम चिन्ह वाला जो पाठ था उसमें हमने देखा कि अल्प विराम है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्न सूचक जो चिन्ह है यहाँ पर जब कोई बात पूछी जाती है या प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पर यदि कोई बात लिखी हुई है और उसके बीच में कुछ रुक कर बोलना है, जैसे हमने कक्षा में बताया था मारो मत जाने दो, जैसे जो उदाहरण बताया था मारो मत जाने दो, और यदि दूसरा वाक्य है मारो मत मारो मत जाने दो, देखिए ये दोनों वाक्य है उसमें मारो के बाद अल्प विराम लगा है तो इसका अर्थ कुछ और हो गया, मारो मत जाने, ठीक है, पहला वाक्य। और जो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है इसमें जो अल्प विराम लगा है, जो कॉमा लगा हुआ है, जिसको कॉमा कहते हैं, जो मारो मत के बाद लगा हुआ है अल्प विराम या कॉमा, तो इसका अर्थ कुछ और निकल गया है। इसका अर्थ निकल गया मारो मत, उसे मतलब जाने दो। पहला जो वाक्य है मारो मत जाने दो, ठीक है, उसका कुछ और अर्थ निकल गया। तो इस प्रकार से हमने बताया था या आपको हमने आपको पहले भी समझा चुके हैं कि इस प्रकार से जो वाक्य का जो मतलब है, जो उसका सेंस निकलता है, उससे उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए अल्प विराम की बहुत ही उपयोगिता है। यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अल्प विराम की उपयोगिता क्या है, किस लिए आप अल्प विराम या फिर कोई भी जो विराम चिन्ह है उसको आप किस क्यों उसको प्रयोग में लाते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, तो ये आपने आपको समझा दिया था। इसके अभ्यास के प्रश्नों में जो देखिए हम पिछली कक्षा में आपको अभ्यास के प्रश्न बता रहे थे, तो अभ्यास के प्रश्नों में जैसे प्रश्न संख्या जो पहला है तो उसमें जो ये है प्रश्न संख्या जो एक है, प्रश्न संख्या एक में जो पहला चिन्ह है ये वाला चिन्ह जो है इसको क्या बोलते हैं, विस्मयान बोधक, क्या बोलते हैं, विस्मयान
बोधक। चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चिन्हों के नाम लिखना है आपको। जो दूसरा है जो ये है, दूसरा है जो चिन्ह है, करने उद्धरण चिन्ह क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं उद्धरण। उसके बाद है जो तीसरा है पूर्ण विराम है, तीसरा जो है, जो तीसरा है तीसरा जो है वो क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो चौथा है प्रश्न, प्रश्न जो प्रश्न जो प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं, और प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्यारे बच्चों, इसको हमने पिछली कक्षा में आपको समझा दिया है, एक बार पुनः हमने बता दिया है कि यदि आपको कोई भी समस्या है, कुछ नहीं समझ में आया है, कोई चिन्ह पहचानने में कोई समस्या हो रही है, तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं। चलिए, जहाँ पे प्रश्न हमको आप करना था, जो प्रश्न संख्या दो है उसे हम देखते हैं। तो जो प्रश्न संख्या दो कहता है, प्रश्न संख्या दो हमसे कह रहा है कि उचित चिन्हों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या दो, क्योंकि पेज नंबर 105 105 प्रश्न संख्या 105 पे है कि उचित चिन्हों का प्रयोग कीजिए, उचित चिन्हों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। उचित चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, हरि मोहन रवि और राकेश पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा इसको हमें देखना है। तो देखिए, हरि मोहन की बात फिर रवि राम लगाएंगे, रवि और राकेश पार्क में खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर अल्पविराम लगाया, यहाँ पर भी अल्पविराम लगाया, ये इसका उत्तर है, ठीक है। अल्पविराम कहाँ लगाया, हरि के बाद फिर मोहन के बाद, ठीक है। वाह इतना सुंदर, वाह इतना सुंदर चित्र, तो वाह के बाद क्या लगेगा, वाह के बाद यहाँ पे विस्मयादि सूचक चिन्ह रहेगा,
इसमें आदि बोधक चिन्ह हुआ। इतना सुंदर चित्र, इतना सुंदर चित्र। उसी प्रकार से तुम अब तक विद्यालय क्यों नहीं गए? तुम अब तक विद्यालय क्यों नहीं गए? तो हमने देखा कि इस बात के अंत में क्या लगा, प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार से हमें, जबकि जो चौथा है माधव ने सुंदर गीत गाया, उसके बाद पूर्ण विराम लगेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो अभ्यास के प्रश्न है उसको समाप्त कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारी पुस्तक है, जो खुलते पंख उसका पाठ संख्या जो 14 है, दोहे पाठ संख्या 14, दोहे से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे हमें सीख मिलती है, और हमें अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं से ना सिर्फ अपनों से सीख लेनी चाहिए बल्कि दूसरों से भी सीख लेनी चाहिए। हमें दूसरों से भी सीख लेनी चाहिए। और हमें ध्यान देना चाहिए, हमें एक अच्छा व्यवहार अपनाना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, और जो हमारे आदर्श हैं उनके गुणों को अपनाना चाहिए, ठीक है, अपने माता पिता से सीखना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आज के हमारे दोहे हैं जो हमें ज्ञान और सीख देते हैं। इन दोहों को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि जो जीवन में जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जीवन में जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, जो पहला दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बहुत ही सुंदर दोहा है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ठीक है, क्या है करत? देखिए इसमें दो तीन जो शब्द हैं बहुत ही अच्छे हैं, जैसे जड़मत क्या होता है, सुजान क्या होता है, रसरी क्या होता है, सिर पर परत निशान, यह क्या होता है। तो ये देखिए, इन सब का जो अर्थ है अभी हम आपको बताते हैं, दोहे का भी अर्थ आपको बताएंगे। और ये जो पंक्तियाँ कही गई हैं इसमें बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है जिसे हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, करत 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 दोहे को, दोहे जो है हमें आपको याद भी कर लेना है, याद भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं जो जिनमें बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है, जिनको पढ़ने से हमें जीवन मूल्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसे आप जरूर याद कर लेना, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास अभ्यास के जड़मत जड़मत होत सुजान,
बोध सुजान रसरी आवत जात के रसरी आवत आवत जात ने आना जाना आवत जात सिर पर परत जात के देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति पूरी होती है तो इसमें क्या इसका अर्थ है कि अभ्यास करते ही करते यदि ये मान लीजिए जहाँ पर जो हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे निरंतर किसी कार्य में यदि हम लगे हुए हैं निरंतर उसके प्रयास जारी है तो इसका एक उदाहरण समझाया गया है। पहले जो कुआं होता था कुएं में जो पानी होता था उसमें एक रस्सी की मदद से एक बाल्टी को बांधा जाता था। बाल्टी जो है रस्सी से बंधी होती थी और उस बाल्टी को जब वो कुएं में उतारा जाता था जो पानी खींचा जाता था जो पुलिया होती थी पुलिया के मदद से जो पानी उसको खींचा जाता था रस्सी पकड़ के जो खींचा जाता था तो वो रस्सी जो जिस पत्थर पे होकर जो गुजरती थी जो पत्थर है जिस सहारे से वो रस्सी कुएं में ऐसे जैसे कुआं है नीचे और कुएं में बाल्टी हम रस्सी से बांधे हुए हैं तो वो रस्सी जिस पत्थर पे ऐसे घिसती है ना जहाँ पे जो रस्सी घिसती है रस्सी में नीचे कुएं में रस्सी जाएगी कुएं में बाल्टी भी है रस्सी बाल्टी रस्सी से बंधी हुई है तो जब पानी भर जाता है बाल्टी में तो रस्सी को जब ऊपर खींचते हैं तो रस्सी जो पत्थर का जो हिस्सा है उस पर जैसे ऊपर से आती है जब तो जो वहाँ पर रगड़ होती है जो रगड़ते जो रस्सी आती है तो रस्सी तो बहुत पत्थर की तुलना में नाजुक है लेकिन वो रस्सी जब डेली उसमें से प्रतिदिन कोई पानी निकाल रहा है प्रतिदिन उसे खींचा जा रहा है तो खींचने से क्या होता है रस्सी जो कि पत्थर की तुलना में बहुत ही नाजुक है वो पत्थर को भी घिस के निशान बना देती है वहाँ पे पत्थर को भी यानी पत्थर यानी जड़मती जो पत्थर है उस पर भी वो अपना निशान छोड़ देती है। अभ्यास को उससे आपको रिलेट किया गया है उससे आपको समझाया गया है उससे उसका संबंध स्थापित करके बताया गया है कि उसी प्रकार से आप निरंतर यदि अभ्यास करेंगे तो आप जब रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है एक रस्सी जो है वो पत्थर को घिस के निशान बना सकती है तो आप इंसान हैं आप लगातार मेहनत से क्या नहीं पा सकते हैं कहाँ पर अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं तो यह इसका अर्थ है। अब इसमें देखिए जड़मत का क्या होता है यदि कहने का मतलब है कि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक जड़मती का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बन सकता है। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप जो मूर्ख है निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी जड़मति बोध सुजान मतलब होता है चतुर मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो सकता है मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो सकता है ठीक है। इसे यहाँ पर लिखा हुआ है करत तत् अभ्यास के जड़मति भूत सुजान यानी मूर्ख जड़मति यानी मूर्ख व्यक्ति भी सुजान यानी कि वह चतुर हो सकता है। रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान इसका मतलब कि रस्सी यदि आने जाने से जब वह पत्थर सिल जो है उसका क्या अर्थ होता है जो सिल है वो पत्थर पे निशान बना सकती है जब सिल मतलब पत्थर या शिला ठीक है तो उस पर निशान बना सकती है। तो इसी प्रकार से यदि आप कोई भी व्यक्ति है वो लगातार मेहनत करेगा तो जो मूर्ख है मूर्ख व्यक्ति में भी चतुराई आएगी वो भी चतुर हो जाएगा। तो देखिए कुछ जो शब्द है इसमें इस पंक्ति में तो उसको लिख लीजिए जो जड़मति होता है जड़मति मतलब होता है मूर्ख और सुजान मतलब होता है चतुर सुजान मतलब चतुर ठीक है और रसरी का मतलब रस्सी
सरी का मतलब रस्सी और सिर का मतलब पत्थर, सिर का मतलब पत्थर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो उसमें जब रस्सी रस्सी जब लगातार घिसती है तो उसे पत्थर का निशान बनाती है। उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो सकता है। प्यारे बच्चों, आज कक्षा में जो भी कुछ पढ़ाया गया, जो भी आपको समझाया गया, उसे आप एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम इसके आगे जो पंक्तियाँ दी हैं, जो दोहे दिए गए, उसकी चर्चा करेंगे, विस्तार से उसे समझेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।